स्वागत है हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं सजीर भाई गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों मेरे पास आया है एक डिजिटल मीटर, उसमें मीटर का जो मैग्नेट सिस्टम होता है ये मैनुअल है। और एक्चुअली हुआ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें तार लगा हुआ था और मीटर का जो तार होता है केबिल, ये यहाँ कट के यहाँ अंदर थोड़ा घुस के रह गया है और ये निकाल नहीं पा रहा है। फिर नहीं, इसके मार्केट ने पूरा कोशिश किया इसे न्यू लगाने का पास, बस उसको पता चलेगा जो सजीर भाई गुरु मीटर ठीक करता है। तो मेरे पास आया है तो चलो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं आप लोगों का। शॉप में किस तरह के बाइक आते हैं, इस तरह का जो मीटर का तार फंसा हुआ रहता है उसका कारण आप लोग मीटर चेंज कर देता है। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा मीटर चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं और हम किस तरह से निकालें। ये हमारा वीडियो आपको देखे और आप लोगों को पता चल जाएगा बिल्कुल। तो चले शुरू करता हूँ और इसे हम आपको दिखा देता है जो सच में इसमें इसका अंदर वायर वगैरह नहीं जाएगा। ये जैसे कि तार है, हम इसे ढुकाएंगे, ये नहीं जाता है, देखो नहीं जाता है। तो ये जो वायर तार जो इसका अंदर घुस के रह गया है, अब हम इसे निकालें कैसे? तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताऊँगा जो निकालने का तरीका क्या है और एकदम 100% ये क्लियर हो जाएगा और आसानी से आपका मीटर भी बच जाएगा। तो चलो फ्रेंड काम को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए एक ड्रिल मशीन का ज़रूरत होता है और ये जो फॉल होता है ये मिनी फॉल का ज़रूरत है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मीटर वायर मीटर का तार है और ये फॉल का माप जो है थोड़ा मिनी होना चाहिए। अगर मोटा हो जाए तो इसके अंदर छेद ज़्यादा हो जाएगा और मीटर का तार भर के भी हम लोग काम नहीं करेंगे, काम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को मन में चाहिए जो ये जो मीटर का तार होता है उससे मिनी होना चाहिए और इसका अंदर जितना भी वायर कटा हुआ है ये अपने आप निकल आएगा। तो हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह से बाहर करें। तो चलो हम बाहर करते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसे कि हम यहाँ कुछ लुब्रिकेंट करेंगे, चलो इसे हम थोड़ा लुब्रिकेंट कर लेते हैं बस, ठीक है। और मुझे ज़रूरत है कपड़े का, रुको। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने यहाँ इसको पकड़ा है और लाइट जला दो बस, इसको हम कपड़े से यहाँ धर के रखेंगे और जैसे कि इसमें हम इस तरह से ड्रिल मशीन को चलाएंगे, ऐसा ऐसा करके होगा। ये थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एक चांस में नहीं होगा फ्रेंड्स। अब हम इसे फाइनली ऑयल डालेंगे, ऑयल डाल दिया, लुब्रिकेंट होगा और बस ये इतना सा ढुक चुकी है, ठीक है, ये ढुक चुकी है। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ फ्रेंड। जैसे कि मेरे पास ये तार है और कितना सा ढुकता है, देखो ये इतना सा घुस चुकी है, देखो इतना सा घुस चुकी है और ये आसानी से बिल्कुल ठीक हो गया है, आसानी से बिल्कुल ये ठीक हो गया था। लेकिन मेरे पास मेरे दोस्त मेरा फ्रेंड ने लगाया जो बोल रहा था जो इसके अंदर जो मीटर का तार फंसा हुआ है नहीं निकल रहा है, मीटर चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने उसे बोला फ्रेंड्स ये मीटर चेंज नहीं करना पड़ेगा, इस वायर को इस तार को हम निकाल सकते हैं और आप लोगों को प्रूफ भी करके दिखाया जो किस तरह से हम लोग मीटर को जैसे कि तार को निकाले। हर कोई जो मैनुअल मीटर होता है वो बहुत काफ़ी सारे बाइक में ये तार कटने का बीमारी रहता है। तो आप लोगों को बताया किस तरह से ये आपको बोरिंग करे, जैसे कि इसको अच्छी तरह से पकड़ के रखिए और ड्रिल मशीन में लगाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह के घुमाइए, आहिस्ता से जोर लगा के घुमाइए, ये अपने आप छेद कर देगा, इसके अंदर जितना भी तार वगैरह है सब निकल आएगा। तो आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाया जो ठीक सारे से काम नहीं करता। अब मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स जो मैशिंग में लगा के थोड़ा लुब्रिकेंट कर लेता हूँ क्योंकि कचरा वगैरह हो सकता है। तो चलो हम इसे मैशिंग में लगा के थोड़ा लुब्रिकेंट कर लेता हूँ और कस्टमर को दे दूँगा, बिल्कुल मीटर ठीक हो गया है बस। अब जैसे कि इसे हम वायर को लगाया, ठीक है, इस वायर को लगाया, अब देखिए यहाँ घूमेगा, देखो
देखो घूम रहा है। देखो एकदम चालू घूर गया, फ्री हो गया है। देखो कितना सा घूमा है, देखो इतना सा ढुक गया है, ये आसानी से काम कर रहे हैं। अब मैं मीटर को फीड करूंगा बाइक में और आप लोगों को दिखाऊंगा। मीटर को एडजस्ट करते हैं, चलो लगाओ। तो फ्रेंड्स ये है डिजिटल मीटर, डिजिटल मीटर में भी ये ज़रूरत होता है, ठीक है, इसमें लग जाएगा। चलो नॉट लगा लेते हैं। देखो यहाँ शेडिंग हो गया है। अब जैसे कि ये डिजिटल मीटर है, डिजिटल मीटर इसके अंदर घुस जाएगा और इसके अंदर जितना भी सेंसर है, ये मैग्नेट का सेंसर से ही काम करता है डिजिटल मीटर। जैसे कि आप, तो फ्रेंड्स देखो ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट घूमेगा और इस जगह से जैसे कि मैग्नेट लेगा और यहीं से जैसे कि मीटर में जैसे कि किलोमीटर शो करेगा। तो चलो इसे लगाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। चलो अच्छी तरह से बैठाओ। तो दोस्तों मैंने ये मीटर को बिल्कुल ठीक कर दिया और ये बाइक में ज़रूर काम करेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा, जो मीटर का तार अगर कटा हुआ रहे, अगर वहाँ से नहीं निकल रहा है, तो इसके लिए हम लोग भी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको करके दिखाया, ड्रिल मशीन उसके अंदर चलाया और वो जो नाट तार है कटा हुआ वो अपने आप निकल गया। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताया किस तरह से तार निकाले। अगर इस तरह का वीडियो आप लोग पाना चाहते हो, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है तो बेल आइकन का घंटा दबाइए, क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर बाइक गुरु यूट्यूब चैनल का साथ।